नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज़ आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा आरएस शाखा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत रविवार 28 मई को श्री हनुमान चालीसा पर विशिष्ट जीवन प्रबंधन उद्बोधन के लिए विश्व विख्यात आध्यात्मिक वक्ता जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता का एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम राज मिल्स क्लब पहानी मंडी में किया जाएगा। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, आदर्श शाखा अध्यक्ष हिमांशु चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि पंडित विजय शंकर मेहता पिछले 20 वर्षों से प्रेरणा नेतृत्व, टीम वर्क इत्यादि विभिन्न प्रबंधन विषयों पर हनुमान चालीसा अध्यात्म को आधार बनाकर व्याख्यान दे रहे हैं। परिषद सचिव ओम प्रकाश गुप्ता व यश नाहन ने बताया कि पंडित विजय शंकर मेहता के कार्यक्रम के संदर्भ में परिषद की दोनों शाखाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन सीताराम अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाओं की रूपरेखा पर चर्चा की गई। झालरापाटन नगर पालिका की ओर से आज एक अभिनव पहल शुरू की गई। पालिका ने आज से शहर में निर्माल्य वाहन का शुभारंभ किया है। यह वाहन हर रविवार को शहर में घूमकर सभी प्रतिष्ठानों, घरों से पूजन सामग्री को एकत्रित करेगा। खास तौर पर यह वाहन पूजन सामग्री एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा चांदवाड़ का कहना है कि लोगों के द्वारा पूजन सामग्री कचरा पात्र में डाली जा रही है, पूजन सामग्री का अपमान ना हो इसलिए एक विशेष वाहन चलाकर अब हर रविवार को झालरापाटन के सभी मंदिरों, प्रतिष्ठानों, घरों से पूजन सामग्री को एकत्रित किया जाएगा। झालरापाटन में श्री कृष्ण आई समाज की ओर से आज शाम भगवान चारभुजनाथ का नवग्रह स्थापना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवान को नगर भ्रमण करवाया गया। इस अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। द्वारकाधीश प्रांगण से बैंड बाजों घुड़सवार के साथ निकाली गई कलश यात्रा में समाज के पुरुष सिर पर मंगल कलश लिए महिलाएं नृत्य करते युवक युवतियों भगवान चारभुजनाथ के चित्र की झांकी के साथ चल रहे थे। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गोमती सागर तालाब के तट पर स्थित चारभुजनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान की महाआरती। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव शहर के संग अभियान में चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, अन्य विभागीय योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य कैंप में विभाग के चिकित्सकों द्वारा रोगियों के स्वास्थ्य की जांच व उपचार किया जा रहा है। 30 या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच की जाकर मौके पर उपचार व चिकित्सकीय सलाह दी जाकर उनका डाटा एनसीडी पोर्टल पर इंद्राज की जा रही है। मौसमी बीमारियों, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए ग्रामीण शहर क्षेत्र में सर्वे कार्य करते हुए एंटी लार्वल गतिविधियों की किया जा रहा है। आमजन को जागरूकता हेतु पंपलेट वितरित किया जा रहा है। इंस्पेक्टिंग किया इस बात की, कुछ इसके इस कैंप में 1000 से ऊपर तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जो कैंप लग रहा है उसमें बचत राहत कैंप के, और साथ में इसमें जो इनके ग्रामीण कैंप में राजस्व की करीबन 28 से ज़्यादा म्यूटेशन होने को लें और भी जगह यहाँ काफ़ी उपलब्धि की गई है। PhD का काम भी यहाँ पर काफ़ी मिलता है, और वो ऐसे बंटवारे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबे थे, क्योंकि ये आज कैंप का पहला ही दिन है, तो मुझे लग रहा है कल ये और अच्छा इस कैंप में करेंगे। इसी क्षेत्र में एक मेजर परियोजना परवान परियोजना भी चल रही है, तो उसका भी इंस्पेक्शन किया गया, क्योंकि उस परियोजना में काफ़ी भूमि का जो है वो अधिग्रहण करके वहाँ कैंप का काम चल रहा है, इरीगेशन के नाम का भी काम चल रहा है। ये दोनों ही काम जो हैं वो अब एक गति से चल रहे हैं, और जो लोग हैं उनको एसडीएम साहब कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका काम भी जो है वो जल्दी जल्दी। डोली सरना से 4 वर्षीय बालिका के परिजनों ने अपहरण के लगाए गंभीर आरोप, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। परिजनों ने आज मीडिया को बताया कि जानकारी के अनुसार, आपको बता दें कि डोली सरना निवासी रामलाल शंकर सिंह दोनों भाई हैं। रामलाल का गांव के ही गोपाल सिंह से लेन देन को लेकर कोई मामला था। शंकर सिंह अपनी पत्नी का इलाज कराने डक गया हुआ था, तभी डोली सरना निवासी गोपाल सिंह पुत्र गंगाराम, गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी सारंगखेड़ा आए, और सारंगखेड़ा निवासी गोपाल सिंह शंकर सिंह के 4 वर्षीय लड़की प्रमिला को उठाकर बाइक पर ले गए। पीड़ित के रिश्तेदार भैंसिया निवासी दिलीप सिंह व अन्य लोगों ने पीछा कर सारंगखेड़ा गांव से पहले उस बालिका को मुक्त कराया और आरोपी को डक पुलिस के हवाले किया। बैसोना नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 रगसपुरिया में 9 दिनों से चल रही श्री राम कथा का आज गुरुवार को समापन हुआ। कलश पूजन कर कथावाचक रमेश तिवारी के मुखारविंद से भारी संख्या में बड़ी संख्या में भक्तों में आनंद लिया। इस दौरान महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन भी रखा गया।
मंदसौर में नरेंद्र मोदी फैंस ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दत्ती के द्वारा मंदसौर जिले के उपाध्यक्ष पद पर मंदसौर निवासी भाजपा की दबंग नेत्री उषा कुमावत को नियुक्त किया गया। कुमावत की जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद लगातार सोशल मीडिया सहित उनके निवास पहुंचकर लोगों द्वारा उनको बधाइयां दी जा रही है, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा रही है। आपको बता दें कि उषा कुमावत लंबे समय से ईमानदारी निष्ठापूर्वक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी, जिसको देखते हुए नरेंद्र मोदी फैंसी ग्रुप द्वारा उनको मंदसौर जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। मंदसौर लखेरा समाज द्वारा उनकी कुलदेवी केला माता के जन्म उत्सव को लेकर लक्ष्यकार समाज के महिला मंडल द्वारा केला माता मंदिर एमपी बंगले के पीछे से वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली महाराणा प्रताप चौराहा, सरदार वल्लभ भाई चौराहा, गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, घंटाघर चौराहा होते हुए भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर के समीप लक्ष्यकार धर्मशाला पर समापन हुई। विगत 45 वर्षों से लक्ष्यकार समाज द्वारा कुलदेवी केला माता की जन्म जयंती पर समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी के तहत इस वर्ष लक्ष्यकार महिला मंडल द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के आदर्श मंडी के नाम से विख्यात मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बंपर आवक हो रही है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में दूर दूर से किसान अपने लहसुन को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। यहां पर किसानों को अन्य मंडी की अपेक्षा मंदसौर कृषि उपज मंडी में उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान खुश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी प्रदेश भर में लहसुन की उपज को लेकर विख्यात है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बच्चों ने जब अपने परिणाम को देखा तो उनमें उत्साह की लहर देखी गई। कई बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए तो कई बच्चों को पासिंग मार्क से संतोष करना पड़ा तथा कुछ बच्चों को इस बार निराशा हाथ लगी। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उच्चतर महाविद्यालय में बच्चों का अच्छा रिजल्ट बनने पर विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब दाऊ साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे
मदर्स लैब ए प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिंस हियर एडमिशन ओपन नर्सरी एलकेजी एचकेजी बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस स्मॉल क्लास साइज लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439 हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर वृंदावन गार्डन के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी राजस्थान।